लास्ट में आवाज बार बार साहब का बार बार धन्यवाद है जी इन प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए और गांव दिनोरी को इतना मान सम्मान देने के लिए। आज हम बराला साहब का धन्यवाद करने आए हैं जो गुरु धन्नावत की जयंती में सफल बनाने में इनका पूरा अहम रोल रहा और इनका बार बार धन्यवाद करा है। वहाँ हमारा गांव में इतना बड़ा मान सम्मान इन्होंने दिलाया, उपराष्ट्रपति जी आए, सीएम साहब आए, प्रोग्राम सेलेक्ट करने में बराला साहब जी का पूरा सहयोग है जी। तो क्या मानते हैं एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था क्योंकि उपराष्ट्रपति खुद मतलब गांव में आए, मुख्यमंत्री थे और मतलब एक बड़े लेवल का कार्यक्रम था। बिल्कुल जी ऐतिहासिक था, गांव के लिए एरिया के लिए पूरे गर्व की बात थी जी। इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन करना छोटी बात नहीं होती जी। और फिर लास्ट में ये आवाज बराला साहब का बार बार धन्यवाद है जी इन प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए और गांव दिनोरी को इतना मान सम्मान देने के लिए। धन्यवाद करने आइए। देखिए अभी 21 तारीख से लेकर के और 23 अप्रैल तक धनोरी गांव के अंदर 3 दिवसीय धन्ना भगत जी की जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। 21 तारीख को धन्ना भगत जी की जयंती होती है, उस दिन से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सोम प्रकाश धनखड़ जी, गांव की पूरी सरदारी, गांव की पूरी पंचायत और हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सम्मानित संतजन, खाप पंचायतों के बहुत सारी खापों के मुखिया, उनके प्रतिनिधि और अपार जनसमूह, ये धन्ना भगत जी की जयंती मनाने के लिए उमड़ा था। और आज गांव के सरपंच धन्ना भगत जी की जो मंदिर की समिति है वो और गांव के अन्य बहुत सारे गणमान्य नागरिक आज इस भव्य आयोजन करने के लिए और उसकी सफलता के लिए आज यहां पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हैं। मैं इनका धन्यवाद स्वीकार करते हुए और मैं गांव का, सब खाप प्रतिनिधियों का, सब संतजनों का और जितने भी लोग वहां पर धन्ना भगत जी के श्रद्धालु के रूप में आए, ऐसे सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित करने में संयोजक के नाते मेरी मदद की। इतने भव्य कार्यक्रम की कल्पना मैं तो सोचता था भी इस प्रकार का कार्यक्रम हो, लेकिन मेरे किसी भी साथी सहयोगी ने नहीं की थी, लेकिन ऐसे सभी जो महानुभाव हैं उनके सहयोग से ऐसा कार्यक्रम हुआ जो कभी हरियाणा प्रदेश में आज तक नहीं हुआ था। विपक्ष के लिए ही बनाया। देखिए विपक्ष क्या कहता है ये विपक्ष का काम है, लेकिन आप मीडिया के बंधुओं ने भी इस बात को देखा, गांव के नागरिक यहाँ साक्षी के रूप में, एक मजबूत साथी के रूप में इन्होंने इस आयोजन में मदद की है। खाप पंचायतें वहां पहुंची थी, संत जन वहां पहुंचे थे, क्या कोई एक भी व्यक्ति ये कह सकता है कि कोई भी वहां एक लफज, कोई भी एक शब्द राजनीति के रूप में प्रयोग हुआ हो? पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम था, समाज के द्वारा एक किस्म से आयोजित कार्यक्रम था, बेशक सरकार का कार्यक्रम था, लेकिन इसको समाज ने अपने हाथ में लिया था और समाज ही इसकी सफलता के लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चला है। ना इस तरह के कार्यक्रम में पहले राजनीति थी, ना आज राजनीति होगी और ना भविष्य में। हाँ कार्यक्रम पहले भी हुए हैं, अब भी हुआ है और कार्यक्रम आगे भी होंगे। ये तो हमारी सरकार ने जो 2015 में एक फैसला लिया था, सब समाज के अलग अलग वर्गों के जितने भी इस प्रकार के श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारे महापुरुष हुए हैं, उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाई जाए और वो जयंती मनाई गई है। तो इस जयंती के एक बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन के लिए एक बार फिर मैं सभी जो सहयोगी जन हैं, गांव पंचायत है, वहां की नन्ना भगत जी की जो समितियां हैं, अन्य वहां के संगठन हैं, चाहे वो युवा संगठन है, गौशाला की समिति है, इनका भी और आपके माध्यम से बाकी लोगों ने जिन्होंने सहयोग दिया उनका मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए जब मुख्यमंत्री जी ने किसी सवाल का जवाब दिया है तो इसके बारे में कोई अलग राय रखने का, बात रखने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने एक बात ठीक कही है कि जब भारतीय जनता पार्टी काम ने
चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, तो उस समय में पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष था, तो हमने जो 3000 रुपए करने का जो वायदा किया था, हम निश्चित रूप से उस वायदे को पूरा कर रहे हैं। अभी 2750 रुपए बुजुर्गों को सम्मान के रूप में पेंशन मिल रही है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये 3000 होने वाली है।